कहते हैं लगातार घटती हुई, वही वर्चुअल वेलोसिटी भी अब घटी है, लगभग 60-70 के आसपास गई थी लेकिन वापस वो 30 पे आई है, और अब दूरी चांद और लैंडर विक्रम के बीच सिर्फ 3 किलोमीटर के आसपास की बची है, 3 किलोमीटर 200 मीटर आप देख रहे हैं। लेकिन असल काउंटडाउन, असल जो मतलब आप कहिए धड़कने तेज होंगी जब 150 मीटर की दूरी बचेगी, और हम लोगों के बोलते बोलते ही वो वक्त भी करीब आ जाएगा। अब वक्त बहुत कम है, 6 मिनट का इंतजार है जिसमें एग्जाम का रिजल्ट आउट होने वाला है। इसरो से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं कि जो लैंडर विक्रम है वो बहुत करीब हो जाए। शाहरुख जल्दी से, अब 2.5 किलोमीटर सिर्फ बचा है। शाहरुख 50 डिग्री के एंगल पे है, और धीरे धीरे जब ये 800 मीटर की दूरी पे आएगा तो सीधे 90 डिग्री तक ये मुड़ जाएगा। 50 डिग्री एक बार टर्न हुआ, उसके बाद ये 40 डिग्री और टर्न होगा, 90 डिग्री टर्न करके ये पहुंच गया आपके वर्टिकल सिचुएशन, वर्टिकल पोजीशन पे चले जाएगा धरती वहां की, अगर सतह को ध्यान में रखते हैं तो। और धीरे धीरे अभी वर्टिकल वेलोसिटी भी घट रही है, वर्टिकल वेलोसिटी भी देखिए घट रही है। तो सिर्फ एक सेकंड अब तो 2 किलोमीटर से भी कम हो गया है, 2 किलोमीटर से भी कम हो गया है, 150 मीटर की दूरी, बहुत बड़ा ये लैंडमार्क है, और इसीलिए तालियों की गूंज आप देख रहे हैं वहां पर। वैज्ञानिक भी एक क्षण को रुककर आप देख रहे हैं कि तालियां बजा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका से जुड़े हैं जहां वो ब्रिक्स सम्मेलन के लिए गए हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें इसरो से आप देख रहे हैं, दूरी बेहद कम हो चुकी है, 1 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी बची है। वहीं आप देख रहे हैं वर्चुअल वेलोसिटी घटकर 19-18 और वर्टिकल वेलोसिटी भी घटती चली जा रही है। धीरे धीरे जब 150 मीटर की दूरी बचेगी, देखिए 16 मीटर पर सेकेंड वर्चुअल वेलोसिटी, वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिल्कुल जीरो की तरफ बढ़ती हुई, अब 4 मीटर प्रति सेकेंड के आसपास में है, और दूरी कम होती चली जा रही है लगातार। वो वक्त बहुत करीब आ रहा है जब हमारे वैज्ञानिक, ये देखिए अभी तक संपर्क बंधा हुआ है, और ये तस्वीरें तालियों की गूंज, तालियों की जबरदस्त गड़गड़ाहट आप देख रहे हैं वैज्ञानिकों में। अब जब आप देखें, ये देखें, ये वाले फेज में आप देख रहे हैं, क्या हम माने कि वो लैंड हो चुका है? नहीं, अभी नहीं लैंड हुआ है, बट अब हमारा जो 40 डिग्री जो बचा था वो और रोटेट हो जाएगा, और फाइनल 90 डिग्री पूरा वर्टिकली आ जाएगा, कह सकते हैं कि हमारे लूनर सरफेस से परपेंडिकुलर हो गया है, परपेंडिकुलर हो गया है, यानी वर्टिकल हो गया है, जो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होने की चुनौती थी इसीलिए वहां पर तालियां बजी थी, वो अब वर्टिकली खड़ा हो चुका है लैंडर विक्रम। ये देखिए, ये पोजीशन देखिए, यानी आप देख रहे हैं जो नीचे वाले उसके हिस्से हैं वो बिल्कुल सतह पर मून की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, डिस्टेंस बहुत कम है, मुझे लगता है थोड़ा सा अगर वो ऊपर जाएंगे तो हमें डिस्टेंस भी दिख जाएगा कि कितनी दूरी बची है, लेकिन अब वर्टिकल पोजीशन ले चुके हैं और स्पीड भी बिल्कुल कम हो चुकी है। दूसरी तस्वीर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका जहां वो ब्रिक्स समिट के लिए गए। जल्दी से शाहरुख, कितने पास अब जी 150 मीटर पहुंचने वाला है, वही ब्लाइंड स्पॉट आने वाला है हमारा 22 सेकंड का, और इस वक्त मैं बता दूं कि बहुत जोर से हम ब्रेकिंग नहीं कर सकते चंद्रमा के इतने करीब, क्योंकि वहां पे एक बहुत ही महीन थिन लेयर होती है वहां के वातावरण की, बहुत ही थिन लेयर, इसकी वजह से जोर से ब्रेकिंग नहीं कर पाते। जल्दी से सवाल है, एटमॉस्फेयर नहीं है चांद पर, ऑलमोस्ट थोड़ा सा छूट गई है, फुटप्रिंट्स भी नील आर्मस्ट्रांग के अभी तक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। बिल्कुल हाँ, और असल में आर्गन और नियॉन जैसे कुछ कुछ मटेरियल रहते हैं उसके एटमॉस्फेयर में, बहुत ही थिन, बहुत ही नगण्य, लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो है चांद में, उसको भी फैक्टर इन करके ये अभी आगे बढ़ रहा होगा। डिस्टेंस बहुत कम, 190 मीटर आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस हो चुका है ऑल्टीट्यूड, और वहीं पर स्पीड आप देखिए 1 मीटर प्रति सेकंड हो गया हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल स्पीड भी आ गया है दो पे, मतलब लगभग बराबर हो चुके हैं दोनों, जीरो की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल, जब हम ये जल्दी से अब देखिए 150 मीटर की दूरी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, और यही है हमारा 151, बहुत बड़ा ये फेज सबसे इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये रुक गया है इस पॉइंट पे, 150 मीटर 139 आप देख रहे हैं, ये अब लगभग 22 सेकंड का ब्लाइंड स्पॉट हमारा, 22 सेकंड का होल्ड है यहाँ पे, यस 22 सेकंड तक इसी जगह पे इसी पोजीशन पे रहेगा पूरे अपना जो भी उसकी लोकेशन है। एक सेकंड इसीलिए आप देख रहे थे 149.98 पर वो इसी जगह पे उसको होवर करना है, अपने दर्शकों को हम बता दें लगभग 22 सेकंड तक इसी 150 मीटर की जो दूरी है, तभी आप देख रहे हैं 149, हमने कर लिया वो दूरी, हमने सफलता से पार कर ली है, क्या ये बहुत बड़ी खुशी की घड़ी है? जल्दी से बताइए, ये बड़ी खुशी की घड़ी है, इंतजार है, काउंटडाउन
शुरू हो चुका है 112 सेकंड, और इसीलिए आप देख रहे हैं कुछ वैज्ञानिक वहां पर ताली बजा रहे हैं क्योंकि पिछली बार यहीं पर मामला अटका था। अब हम उस घड़ी से भी आगे निकल चुके हैं, और एक बार फिर जैसे ये देखिए अब 79 सेकंड 76, धीरे धीरे ये काउंट डाउन नीचे जा रहा है, स्पीड बढ़ गया, हम जीरो की तरफ बढ़ चुके हैं, वर्टिकल वेलोसिटी भी हमारा वर्टिकल वेलोसिटी भी जो है वो भी घटता चला जा रहा है। और तीसरी तस्वीर में वो दूरी है, तमाम बड़े बड़े फेजेस हमने पार कर लिए हैं सफलता के साथ, अब सॉफ्ट लैंडिंग की घड़ी है, बस अगर सतह पर कोई बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं हो तो कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल अभी थोड़ी देर में कोई नहीं रोक सकता। और ये देखिए 60 मीटर्स और 50 मीटर, अब मुझे लगता है कि अब वो दोनों को हम देखें, वर्टिकल वेलोसिटी नाउ इज 200-300 के बीच में, दो मीटर प्रति सेकेंड, वही वर्टिकल वेलोसिटी एकदम जीरो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो की तरफ जा रही है, दूरी अब 200 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, बहुत बड़ी कामयाबी की तरह हिंदुस्तान बढ़ता हुआ, चंद्रयान का मिशन 3 सफलता की तरफ बढ़ता हुआ, चांद के दक्षिण पोल पर भारत अपना तिरंगा गाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये आप देख रहे हैं तालियों की जबरदस्त गूंज, हिंदुस्तान के लिए आज बड़ा दिन, और आप देख रहे हैं इसरो के हेड सोमनाथ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिरंगा लहराते हुए, अंतरिक्ष में भारत की ऐतिहासिक जीत, चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग, वो भी एक ऐसी जगह पर जहां कोई मुल्क नहीं गया था, दक्षिण पोल चांद का अब हमारा हुआ, क्योंकि हमने यहां पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की है। आज पूरा देश इसरो के इन वैज्ञानिकों के सामने सिर झुकाता है, और ये आप देख रहे हैं सोमनाथ साहब को जो कि इसरो के चीफ है वो यहाँ पर संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे, ये जोश ये उत्साह आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि जबरदस्त जश्न वैज्ञानिकों का, ये सालों साल की मेहनत है जो अंजाम पर आज पहुंची है। इसलिए सर वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून, सर I request our honorable prime minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है, ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है, अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की यह अमृत वर्षा हुई है, हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया, और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इज नाउ ऑन द मून, आज हम
अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है, हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहां करेंगे चंदा मामा, बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, ऑन दिस जॉयस ओकेजन I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcome universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world
इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द ग्लोबल साउथ आर कैपेबल ऑफ अचीविंग सच फीट्स. वी कैन ऑल एस्पायर फॉर द मून एंड बियॉन्ड. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की